नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोबाइल फोन फोन मार्च में। दोस्तों, अगर आपके पास भी है सैमसंग गैलेक्सी S21 5G और आप इसकी बैटरी ड्रेन इशू और हीटिंग इशू से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। दोस्तों, मैं इसको एक हफ्ते से ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। इसको जब मैंने इसको परचेस किया था तो मेरे में भी हीटिंग इशू था और बैटरी ड्रेन काफ़ी ज़्यादा कर रहा था। दोस्तों, अब जो कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, पहले जितना बैटरी ड्रेन नहीं करता। आपको क्या क्या सेटिंग करना है चलिए आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ कि मेरा बैटरी बैकअप कितना दे रहा है फ़ोन का। सेटिंग में चले जाना है आपको। बैटरी एंड डिवाइस केयर, आप देख सकते हैं साइंस लास्ट फुल चार्ज 15 घंटा 43 मिनट पहले मैं इसको फुल चार्ज किया था फ़ोन को, उसके बाद फ़ोन को चार्ज नहीं किया हूं मैं। और स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हैं 6 घंटा 8 मिनट और स्क्रीन टाइम 9 घंटा 34 मिनट दिखा रहा है। और अभी भी मेरे पास आप देख सकते हैं कितना परसेंट चार्जिंग बचा हुआ है, आप देख सकते हैं 18% चार्जिंग बचा हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं 3 आवर 38 मिनट लेफ्ट करके दिखा रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्क्रीन ऑफ में भी बैटरी लूज़ करता है फ़ोन, बट ऐसा नहीं है। आप ये सेटिंग अप्लाई करेंगे तो आपका भी फ़ोन स्क्रीन ऑफ में बैटरी लूज़ नहीं करेगा। आप देख सकते हैं 1 घंटा 36 मिनट स्क्रीन ऑफ था और आप देख सकते हैं 0% बैटरी लूज़ किया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप 1 घंटा 37 मिनट स्क्रीन ऑफ था, फ़ोन चालू था लेकिन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 0 मिनट शो कर रहा है। तो चलिए इस तरह से आपको बैटरी बैकअप पाने के लिए क्या क्या सेटिंग करना है मैं बता देता हूं आपको। यहां पे बैकग्राउंड यूसेज लिमिट में चले जाना है आपको। स्लीपिंग ऐप्स, आप देख सकते हैं जिस ऐप को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते इसको यहां पे ऐड कर सकते हैं जिससे आपका ऐप ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं करेगा, स्लीपिंग मोड में रहेगा। और डीप स्लीपिंग ऐप, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस ऐप को आप यूज़ ही नहीं करते, बहुत कम यूज़ करते हैं, हफ्ते में एक दिन या दिन में सिर्फ एक बार ही यूज़ करते हैं, उस ऐप को इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये भी काफ़ी आपका बैटरी बचत करता है, इसको भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेटिंग आपको बता देता हूँ मैं। आपको डिस्प्ले में चले जाना है। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट मोड है और यहाँ पे डार्क मोड है। आपको डार्क मोड सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि लाइट मोड काफ़ी बैटरी ड्रेन करता है। और उसके बाद मोशन स्मूथनेस में चले जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 हर्ट्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 120 हर्ट्स गेट स्मूदर एनिमेशन एंड स्क्रॉलिंग विद 120 हर्ट्स स्क्रीन रेट करके लिखा हुआ है। और ये काफ़ी बैटरी ड्रेन करता है इसलिए आपको स्टैंडर्ड पर सिलेक्ट कर लेना है तो आपका बैटरी काफ़ी चलेगा। आपको नेक्स्ट सेटिंग बताता हूँ उसके बाद में। आपको कनेक्शन में चले जाना है, उसके बाद ब्लूटूथ में चले जाना है, उसके बाद 3 डॉट में क्लिक करना है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं एडवांस सेटिंग है यहाँ पे और सिंक विद सैमसंग क्लाउड इसको ऑफ कर देना है आपको। यहाँ कनेक्शन में जाकर आपको मोर कनेक्शन सेटिंग में चले जाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं नियर बाई डिवाइस स्कैनिंग लिखा हुआ है, इसको आपको ऑफ ही रखना है क्योंकि अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो भी आपका ब्लूटूथ वाईफाई ऑफ रहने के बावजूद आपके जो आसपास में डिवाइस चालू है या बंद है करके ऑटोमेटिकली स्कैन करता रहे, स्कैन करता रहता है, इसकी वजह से भी बैटरी काफ़ी ड्रेन होता है, इसको भी आपको ऑफ कर लेना है। और तीसरा सेटिंग है आपको और बता देता हूँ मैं, या डिवाइस एंड बैटरी केयर में ही है सेटिंग। यहाँ पे मोड सेटिंग में जाना है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिप्टिव बैटरी, इसको आपको हमेशा ऑन ही रखना है। प्रोसेसिंग स्पीड, इसको ऑप्टिमाइज रखना है क्योंकि ये आपकी यूसेज के हिसाब से बैटरी लूज करेगा। अगर आप हाई मैक्सिमम में रखेंगे तो आपका बैटरी और ज़्यादा लूज़ करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं फास्ट चार्जिंग,
इसको आपको 25 वाट का चार्जर यूज़ करते हैं तो आपको इसको ऑन ही रखना है। और आप देख सकते हैं फास्ट वायरलेस चार्जिंग, अगर आपके पास वायरलेस चार्जर नहीं है, आप वायरलेस चार्जर यूज़ नहीं करते हैं तो आपको इसको ऑफ ही रखना है, इसको चालू नहीं रखना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे वायरलेस पावर शेयरिंग का ऑप्शन है, इसको भी आपको ऑफ ही रखना है। जब आप इस फ़ोन से दूसरा आपके ब्लूटूथ वगैरह को आपको चार्ज करना है या दूसरे फ़ोन को चार्ज करना है तो ही इसको ऑन रखना दोस्तों, वरना इसको आप ऑन नहीं रखिएगा क्योंकि फालतू का बैटरी ड्रेन ये भी करता है। दोस्तों अगर आप ये सब सेटिंग को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपका फ़ोन पहले से बेटर बैटरी बैकअप देगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।